नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि फिर हमारे पास कुछ मछलियों का नया स्टॉक आ चुका है। तो जैसे हम हर बार वीडियो बनाते हैं, आपको मछलियां बताते हैं, इस बार मैंने कुछ मछलियां ऐसी बुलवाई हैं कि जो बाउल में आप रख सकें। जैसे कि मौली फिश है, मौली फिश में कलर्स हैं, ब्लैक है, वाइट ब्लैक मिक्स है, रेड मौली है, येलो मौली है, और गोरामी, गोल्डन गोरामी है, ब्लू गोरामी है। तो ऐसी ये इस टाइप की मछलियाँ जो है कि हम बाउल में रख सकते हैं। तो उस इसलिए मैंने आज उसकी वीडियो बनाई है और आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि बाउल में आप उन मछलियों को रख सकते हो। जैसे कि मैंने इसकी पहले एक वीडियो बनाई थी बाउल के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि फ़ाइटर बीटा फिश रख सकते हो या तो मौली फिश रख सकते हो आप। तो फाइटर फिश में भी कम से कम 100 वैरायटी मेरे पास आ चुकी है और बहुत जल्दी जल्दी कस्टमर्स आ रहे हैं और मछलियां ले जा भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाउल ख़रीदा था और उनके बाउल की मछलियां मर गई हैं। अब उनको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है और छोटा सा बाउल में ओनली सिंगल या दो, एक या दो या मछली रखनी है, तो वो इसलिए वो मछलियों को ले जा रहे हैं ताकि वो बिना मेंटेनेंस के उन मछलियों को रख सकें। अब जैसे कि फाइटर फिश जो होती है वो सिंगल आप रख के छोड़ दीजिए, दो दो तीन तीन दाने रोज दे दीजिए, उतने में चल जाता है। तो मैंने उसी के लिए आज पूरी ये वीडियो बनाई हुई है। बहुत ज़्यादा स्टॉक तो नहीं बुलवाया हूँ क्योंकि मौसम ठंड का चल रहा है, तो इसलिए मैंने 10-12 बॉक्स बुलवाए थे, तो उसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको इसके बाद पूरी जो मछलियाँ आई हुई हैं मेरे पास, मैं पूरी आपको बताऊँगा। तो आइए हम मछलियाँ देखते हैं, मैं इसके बाद कंटिन्यू आपको मछलियाँ दिखाता हूँ।
मछलियाँ दिखाई अभी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और इसी के साथ मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि देखिए और भी बहुत सारे लोगों ने बाउल लिया हुआ है, उनकी मछलियाँ भी मर रही होंगी, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए और मछलियों की वैरायटी बताने के लिए, एक्वेरियम के बारे में बताने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे कंटिन्यू हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।